Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to you in SVN Math. As this platform is a best and authentic source for your preparation. आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है. इस वीडियो में कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि नेक्स्ट जो संडे को होने वाला सब इंस्पेक्टर का पेपर है, इस वीडियो में इंशाल्लाह बहुत से सवालात इस पेपर में लगने वाले हैं. आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा. इसमें तकरीबन ये 20 to 25 मिनट्स आज जो आप इस वीडियो पे लगा रहे हैं ये आपके रायगा नहीं जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. इसमें पीपीएससी के तमाम क्वेश्चन जो हैं पीपीएससी के पास पेपर्स में से लिए गए हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आने वाले पेपर्स का हिस्सा बनते हैं वो भी साथ साथ ही डिस्कस किए गए हैं. अब इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसे आप दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ के फाउंडर का पूछा गया है कि इसका फाउंडर कौन है. इसका राइट आंसर है इन ऑप्शंस के मुताबिक एरिक्सन. एरिक्सन एक कंपनी है. इसका जो फाउंडर का नेम है वो है नील्स रेडबैक. क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था तो क्वेश्चन सेम ही डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट, आपको पता है कि जो मार्टिन कॉपर है इसने मोबाइल फोन इन्वेंट किया था 1973 में. और जो स्टीव जॉब है इसका तल्लक है एप्पल से. और जो जेट ची है ये फाउंडर है सी लैंग्वेज का. वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम पूछा जा चुका है ये भी कि सी लैंग्वेज का इन्वेंटर कौन है. इसका इन्वेंटर है रेड ची, डेनिस रेड ची इसका फुल नेम है. सेकंड क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा अवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके जो टेलीफोन नेटवर्क के जरिए से वायर्स के जरिए से आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं. इसका राइट आंसर है DSL. DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड. कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें इनमें से कौन सी चीज जो है इसका इस्तेमाल किया गया है. इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब. क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे घरों में पुराने टेलीविजन्स पड़े हुए हैं अगर हम उसको खोलें तो हमें एक ट्यूब सी नज़र आती है, वो एक्चुअली वैक्यूम ट्यूब ही होती है. और जो पहला जनरेशन कंप्यूटर की आई थी उसमें भी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस. यानी कि रैम जो है ये कौन सी स्टोरेज है, प्राइमरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है, टर्शरी है. जो रैम है ये है प्राइमरी स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये है हार्ड डिस्क. रैम हो, रोम हो या कैचेस हो, ये तीनों जो मेमोरी हैं ये प्राइमरी होती हैं. जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये है हार्ड डिस्क और जो टर्शरी स्टोरेज है ये है यूएसबी. हमें पता है कि रैम जो होती है ये वोलाटाइल होती है. वोलाटाइल का मतलब होता है कि डाटा विल अरेज व्हेन कंप्यूटर ऑफ. और जो रोम होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है कि डाटा विल नॉट बी अरेस्ड व्हेन कंप्यूटर ऑफ. विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज इट्स हार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सीपीयू है या माइक्रो प्रोसेसर है. अगर हार्ड पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर बनेगा माइक्रो प्रोसेसर. अगर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर बनेगा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. क्वेश्चन ये है कि वो इन्वेंटेड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर है बजार्नी स्ट्रोस्ट्रॉप. अगर सिर्फ सी लैंग्वेज होगा, सी लैंग्वेज का आपको प्रीवियस बता दिया गया है. सी लैंग्वेज जो है इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम है डेनिस रिट्ची. इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड.
जो इंटरसेक्शन कॉलम ऑफ रोज है इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सेल। वन बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? इसका राइट आंसर है 8 बिट्स। अगेन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि वन निबल में कितने बिट्स होते हैं? अगर 1 बाइट का होगा तो उसमें 8 बिट्स हैं, अगर 1 निबल का पूछा जाएगा तो उसमें 4 बिट्स होते हैं। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर है F7। कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर, कंप्यूटर रेजोल्यूशन इनमें से किस चीज को मेजर करती है? ऑप्शन है साइज ऑफ स्क्रीन, शेप ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ पिक्सल्स, या डिपेंड ऑन द कलर्स, कि कंप्यूटर कितना कलर देता है। जबकि जब भी रेजोल्यूशन आएगी उस कंडीशन में हम उसके नंबर ऑफ पिक्सल को चेक करते हैं कि इसके कितने पिक्सल तक जो पिक्चर है वो ठीक आ रही है। तो इसका राइट आंसर बनेगा नंबर ऑफ पिक्सल्स। वो इज नाउन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है जॉन मकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इन एमएस वर्ड इफ हेडर एंड फुटर आर अप्लाइड बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज इट इज प्रिंटेड, कि जब आप हेडर एंड फुटर लगाते हैं तो वो किस पेज पे लग जाता है? इसका राइट आंसर है कि जितने भी पेजेस होते हैं जब हेडर फुटर अप्लाई कर दिया जाएगा तो तमाम पेजेस पे ही वो लिखा आएगा। राइट आंसर बनेगा ऑल पेजेस। इन एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेडर एंड फुटर आर क्लियरली विजिबल इन, ये क्लियरली विजिबल किस व्यू पे होता है? इसका राइट आंसर है प्रिंट लेआउट। इन एमएस पावर पॉइंट सिंगल पेज इज कॉल्ड, हमें पता है कि जब भी पावर पॉइंट खोला जाता है तो वहां पे स्लाइड शो होती हैं। तो इस क्वेश्चन का भी यही मतलब है कि एमएस पावर पॉइंट में जो सिंगल पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा स्लाइड। मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड डेट वी कैन अप्लाई मैनुअली, कि जो हम खुद से साइज एमएस वर्ड में लगा सकते हैं वो कितना है? जो हमें डिस्प्ले होता है वो 72 तक है, लेकिन जब हम खुद से टाइप करेंगे तो 1638 यानी कि 1638 तक का हम जो फॉन्ट साइज है वो उसमें लगा सकते हैं। इन एमएस वर्ड द टूल यूज टू रिप्लेस द सिलेक्टेड वर्ड विद इट्स सिनोनिम इज नाउन एज, इसका राइट आंसर है सिमिलर वर्ड्स को ही कहा जाता है, यानी कि सिनोनम वगैरह को थिसोरसिस ही कहा जाता है, जो ऑटोमेटिक इन एमएस वर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम डेट वी कैन इंसर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ कॉलम है ये है टोटल 63, और जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम है जो हम लगा सकते हैं वर्ड में, ये बात वर्ड की हो रही है क्योंकि हमें पता है एक्सेल में पहले से ही कॉलम बने होते हैं, एक्सेल में कॉलम और रोज दोनों होती हैं, इनके इंटरसेक्शन होती है, जब इंटरसेक्शन होगी तो सेल बनेंगे, और जो वर्ड है इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम है ये 63 है, और जो मिनिमम कॉलम है ये हम एक मिनिमम कॉलम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, हमें चंद नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इसमें से वर्ड प्रोसेसिंग निकालना है। जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो हम एमएस वर्ड को ही कहते हैं, जो एमएस वर्ड है उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स, इक्वल का साइन लगाने के बाद हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे। वो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बैबज को, पर इसका तल्लक है यूनाइटेड किंगडम से। अगर ये पूछा जाए ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर तो फिर भी चार्ल्स बैबज ही लगाएंगे।
और कंप्यूटर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। WWW स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका फाउंडर भी पूछा जा चुका है, उसका राइट आंसर है टिम बर्नर्ड ली, इसका तल्लक है यूके से, और इसके साथ जो दूसरा बंदा था उसका नाम है रॉबर्ट कैलियन। टिम बर्नर्ड ली का ही क्वेश्चन पूछा गया है, और नेक्स्ट रॉबर्ट कैलियन भी है, ये भी आप याद रख लें, इसका तल्लक है बेल्जियम से, ये दोनों इसके फाउंडर हैं WWW के। HTML इज द बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट, इसका राइट आंसर है वेब पेज, और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि HTML इज ये बेसिक लैंग्वेज या आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। MPG इज एक्सटेंशन ऑफ, MPG ये है वीडियो की, और .gpg ये है इमेज की। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सेक्टर्स। विच बेसिक कलर आर यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसका राइट आंसर है RGB, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, और जो रेड ग्रीन एंड ब्लू हैं इनको प्राइमरी कलर्स भी कहा जाता है। वो वाज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, इसका राइट आंसर है विंड सर्फ। कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड डैश कीज, इनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज, और जो F1 से F12 हैं इनको कहते हैं फंक्शनल कीज। जो मॉडिफाइड कीज हैं इनको अकेला दबाने से कुछ भी नहीं होता सिस्टम में, इनके साथ जब तक हम फंक्शनल की अटैच नहीं करते। विच इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन वर्ल्ड रिसेंटली इन जून 2020, इसका राइट आंसर है फुगाकू, ये बनाया है जापान ने। फुगाकू नाम क्यों रखा है, ये एन अदर नेम ऑफ माउंटेन फुजी, माउंट फुजी, माउंट फुजी जो कि ये जापान में है, और इसी से उन्होंने फुगाकू रखा है नाम इसका। इन MS Word जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज है वो है 8, और जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज है वो है 72। ये जो साइज़ है ये हम अपने कंप्यूटर पर MS Word में देख सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो है 1638, 1638। जूम परसेंटेज इन एक्सेल मिनिमम है ये 10%, और मैक्सिमम हम जूम कर सकते हैं 400% तक। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा चुके हैं। विच की इन कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो ऑन पावर पॉइंट, इसके लिए हम प्रेस करते हैं ओनली F5, यानी कि F5 प्रेस करने से हम स्लाइड को शो कर सकते हैं पावर पॉइंट पे, और जो सिस्टम में कंप्यूटर में जो F5 है ये रिफ्रेश करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ऑप्शन बहुत क्लोज है, इसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट, ये हमें डिजिट लेना है, डिजिट का मतलब है 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बिट में भी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0 और 1, बिट में भी 0 भी हो सकता है 1 भी। नेक्स्ट है कि 1 byte इज इक्वल टू 8 bit, और जो 4 bit होते हैं ये इज इक्वल टू 1 nibble। बिट जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ओके, इसका क्वेश्चन ये आता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर इज, ऑप्शन होते हैं बाइट, बिट, निबल या नन, इसका राइट आंसर है बिट। नेक्स्ट है द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो फास्टेस्ट मेमोरी है ये है कैचेस। कैचेस क्या है कि अगर हमने एक दफ़ा PPSC में अप्लाई किया है तो जब हम दूसरी दफ़ा उसी कंप्यूटर से करेंगे तो वो हमारे नाम वगैरह पहले से ही लिखा हुआ आ जाता है, तो ये कैचेस होती हैं। व्हाट इज मीन्ड टू प्रोटेक्ट वर्कशीट, इसका राइट आंसर है लॉक द कॉलम एंड सेल। विच आर फॉलोइंग विटामिन कंटेन ट्रेसिस ऑफ सिलीरियम, इसका राइट आंसर है विटामिन ई। जो सिलीरियम है ये एक एलिमेंट है जो कि बॉडी फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
नेम विच आर द फॉलोइंग इज अ फैट सोलूबल, ऑप्शन दिए होते हैं तो इसका राइट आंसर है ए डी ई और के। इसके लिए आप जस्ट वर्ड याद रख लें अडीक, अडीक अडीक से आप इसको याद कर सकते हैं, अडीक स्टैंड फॉर ए डी ई एंड के, ये है फैट सोलूबल। और दूसरा इसके साथ ही पूछा जाता है वाटर सोलूबल, जो बी और सी हैं ये वाटर सोलूबल हैं। फैट सोलूबल का मतलब है चिकनाइयों में हल पजीर या चर्बी में हल पजीर, और वाटर सोलूबल पानी में हल पजीर। वाटर सोलूबल हैं बी और सी, और जो फैट सोलूबल हैं ये है अडीक यानी कि ए डी ई और के, विटामिन ए डी ई एंड के। इंशाल्लाह मेरी हर वीडियो आपके लिए बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन और ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करेगी, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर अमंग रावी चिनाब एंड सतलुज, ये क्वेश्चन भी न्यू है, इसका राइट आंसर है सतलुज। लास्ट एडवाइस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अबाउट, इसके ऑप्शन भी क्लोज हैं, इसका राइट आंसर है सलात। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट बाय एमएम आलम डाउंड इन वन गो, तो इस एमएम आलम ने 5 एयरक्राफ्ट डाउन किए थे, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 1 मिनट में इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, ये हुआ था 7 सितंबर 1965। ब्लैक पोल इज, ऑप्शन वेरी क्लोज, माउंटेन टाउन एयरपोर्ट स्ट्रेट, तो इसका राइट आंसर है टाउन। ब्लैक पोल इज अ टाउन इन इंग्लैंड। नॉर्मेडे इज इन, नॉर्मेडे ये सिटी है फ्रांस की। द ग्रीक ओपिक पोइम लेलिड एंड ओडेसे वॉज रिटन बाय, ये लिखी है होमर ने, और इसका ऑप्शन में है यूक्लिड। यूक्लिड जो है ये फादर ऑफ ज्योमेट्री, किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है यूक्लिड। विच वाटरफॉल इज बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा, इसका राइट आंसर है नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल ये है बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा, इसको आप ऐसे याद रख लें कि नियाग्रा वाटरफॉल इन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि जो अमेरिका है ये नॉर्थ अमेरिका में है और कैनेडा भी नॉर्थ अमेरिका में है, और जो नियाग्रा फॉल है ये अमेरिका एंड कैनेडा के बिटवीन है। जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया वाटरफॉल है ये जैम्बिया में है, जैम्बिया कैपिटल लुसाका, और जो एंजल वाटरफॉल है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ये है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला का कैपिटल है क्राक्रस, और जो यूसीमाइट वाटरफॉल है ये है कैलिफोर्निया, यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल लोकेटेड एट, मैन मेड वाटरफॉल बताना है, ये है गुयांग, ये चाइना कंट्रीज़ की चाइना है, चाइना की सिटी है गुयांग, यहाँ पे है मैन मेड वाटरफॉल। इन विच प्लेटियो रिवर स्वान एंड हारो फ्लोज, स्वान एंड हारो, जैसे मैंने याद किया है आपको भी ऐसे याद करवा देता हूँ। स्वान में देखें और एक ओ आ रहा है, और हारो में भी एक ओ है, क्वेश्चन में टोटल दो ओ हो गए। अब आंसर हमने वो देखना है जिसमें दो ओ आ रहे हों, तो ये आ रहा है पोटोहार प्लेटियो। अगर अकेला अकेला भी पूछा जाए स्वान रिवर कहाँ फ्लो करता है या हारो रिवर, तो इसका राइट आंसर बनेगा पोटोहार प्लेटियो। हाउ मेनी स्टार्स इन मलेशियन फ्लैग, मलेशियन के फ्लैग में टोटल 14 स्टार्स हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये 14 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो 13 स्टार हैं 13 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक है ये फेडरल गवर्नमेंट को, और मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर, और इसमें काफ़ी फेमस है पेट्रोनस टावर, कई दफ़ा पूछा गया कि पेट्रोनस टावर कहाँ पे है, ये है मलेशिया में। वो इज़ द प्लेयर वो हैड प्लेड क्रिकेट बोथ फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी न्यू है, इसका आंसर वैसे आपको पता है लेकिन अब क्वेश्चन उन्होंने तब्दील किया है, इसके राइट आंसर है अब्दुल हफीज़ करदार, क्योंकि अब्दुल हफीज़ करदार जो है ये फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन जो है अब्दुल हफीज़ करदार, और ये जो अब्दुल हफीज़ करदार हैं ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए खेलते रहे हैं। हाउ मेनी हर्ट चैम्बर इन अ फ्रॉग, फ्रॉग में
तीन चैम्बर होते हैं और जो ह्यूमन हार्ट है इसमें चार चैम्बर होते हैं। सार्क यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट, ये है इंडिया में, इंडिया की स्टेट न्यू दिल्ली में। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड, बर्ड्स की स्टडी कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड। और जो ओनकोलॉजी है ये स्टडी ऑफ कैंसर है। और जो इकोलॉजी है ये स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ हैबिटेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टू टर्म्स हैं, इनमें अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। पहला है एपीआरए और दूसरा है एवीआरए। एपीआरए इज अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ शहद की मक्खियाँ रखी जाती हैं उसको एपीआरए कहते हैं। एपीआरए के लिए हम एपीकल्चर की टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एपीकल्चर पूछा जाए या एपीआरए पूछा जाए तो हमने बीज का लगाना है। और सेकंड है एवीआरए। एवीआरए है वेयर बर्ड्स आर केप्ट, परिंदों को रखने की जो जगह होगी उसको एवीआरए कहा जाएगा। जैसे कि केज कह लें या कोई बिल्डिंग है जहाँ पर हम बर्ड्स को रख रहे हैं, तो इसके लिए हम एवीआरए। एपीआरए वेयर बीज आर केप्ट एंड एवीआरए वेयर बर्ड्स आर केप्ट। किल टू डैश विद वन स्टोन, इसका राइट आंसर है बर्ड्स। वो अपॉइंटेड चीफ जस्टिस, इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। कंप्लीट द इडियम, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर। नेक्स्ट ऑप्शन है हेलो, रेन, लाइनिंग, शेडो। इसका राइट आंसर है लाइनिंग। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ पोस्टी, पोस्टी कहा जाता है बहुत कम। और इसका राइट आंसर है अबंडेंस, अबंडेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा। पोस्टी का सिनोनिम है सैक्रासिटी, ये भी पूछा जा चुका है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो डॉटर, वो बिकेम द फोर्थ वाइफ ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका राइट आंसर है हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कंप्लीट द प्रोवर्ब फॉर्चून फेवर द, नेक्स्ट ऑप्शन है रिच पुअर इनोसेंट बोल्ड। इसका राइट आंसर है बोल्ड, फॉर्चून फेवर द बोल्ड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फॉर्चून फेवर द स्ट्रॉन्ग या फॉर्चून फेवर द ब्रेव। इन ऑप्शंस के मुताबिक राइट आंसर बनेगा बोल्ड। हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेजेसी, इसका राइट आंसर है एलिस्टेड लैम। वेयर इज द मुगल एम्परर जहीरुद्दीन बाबर बरीड, ये बरीड है काबुल में। ये फाउंडिंग फादर ऑफ मुगल एम्परर जो है ये भी जहीरुद्दीन बाबर है। कंप्लीट द सेंटेंस आई वॉज सरप्राइज बाय द लार्ज पीपल वो केम, इसके आंसर भी क्लोज हैं। जब लार्ज आएगा तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वो केम। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स, इसके राइट आंसर है एयर मार्शल असगर खान। और इनके मतलब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वो इज़ द फादर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स, उसका राइट आंसर भी होगा एयर मार्शल असगर खान। जो एयर मार्शल असगर खान है ये 2018 में इस्लामाबाद में वफात पा चुके हैं। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसका राइट आंसर है 4 मिनट। वो सहाबी वेंट टू मदीना बिफोर हिजरत, हिजरत से पहले ही जो सहाबी मदीना चले गए थे उनका नाम है हजरत मसअब बिन उमैर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड है कि रिपीट हो। जो हिजरत मदीना है ये हमें पता है 622 में हुई थी, और 622 के बाद ही इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हुआ। और हिजरत मदीना के वक़्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और इनके ऑप्शन में था कि हज़रत अबू हुरैरा, जो सबसे ज़्यादा अहादीस मुबारक हैं ये मरवी हैं हज़रत अबू हुरैरा। और हज़रत अबू हुरैरा का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि इनका रियल नेम क्या है, इनका रियल नेम है अब्दुर्रहमान इब्ने सखर। सिनोनिम ऑफ विडल, विडल कहते हैं खुशामद करना या धोखा देना।
तो इसका राइट आंसर है डिसीव. द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हर्ट, ह्यूमन हर्ट का जो एवरेज वेट निकाला हुआ है ये है 300 ग्राम, क्योंकि इसकी रेंज होती है 280 से 350, तो इसकी एवरेज हमने ले ली है, एवरेज है 300 ग्राम. मालाबार इज द ओल्ड नेम ऑफ, मालाबार ओल्ड नेम है मैद्रास का. इन विच रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके ऑप्शन है एशिया, ओशियानिया, मिडल ईस्ट या नन. इसका राइट आंसर है ओशियानिया. इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू इन विच स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी. इसका राइट आंसर है बेरिंग स्ट्रेट. इंटरनेशनल डेट लाइन जो थी ये बनी है 1884 में, और जो बेरिंग स्ट्रेट है ये सेपरेट करती है रशिया एंड यूएसए की स्टेट अलास्का को. और इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है ये किन कंटिनेंट को सेपरेट करती है, वो कंटिनेंट है एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. एशिया क्यों है, क्योंकि जो रशिया है, रशिया का कुछ हिस्सा एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में है, तो इस वजह से जो, और हमें पता है कि यूएसए जो है ये नॉर्थ अमेरिका में, तो जो बेरिंग स्ट्रेट होगी ये एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका दोनों को सेपरेट करेगी. शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका राइट आंसर है 21 जून, और जो लॉन्गेस्ट डे है ऑस्ट्रेलिया में ये है 21 दिसंबर. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या पाकिस्तान के बिल्कुल उलट है. पाकिस्तान का जो शॉर्टेस्ट डे है ये है 21 दिसंबर, और जो लॉन्गेस्ट डे है पाकिस्तान का या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये है 21 जून, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ही उलट हमने बताना है. इन विच ईयर NWFP चेंज टू KPK, सुबह सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा किस साल रखा गया था. इसका राइट आंसर है 2010, 15 अप्रैल 2010. ये 18वीं तरमीम में इसका नाम KPK रखा गया था. वेन द मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ बर्मा चेंज नेम फ्रॉम बर्मा टू म्यांमार, ये किस साल रखा गया है. इसका राइट आंसर है 1989. बर्मा का कैपिटल है नई पाइदा. रंगून इज अ फेमस सिटी ऑफ बर्मा, बर्मा या म्यांमार. रंगून इसलिए फेमस है क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर, इनको रंगून में एग्जाइल किया गया था, जलावतन जिसे कहा जाता है, और बहादुर शाह जफर ने वहीं पे वफात पाई थी. इनका आखिरी शेर जो है, दो गज भी जमीन ना मिली कुए यार में. और ये भी पूछा गया है कि कौन सा मुग़ल बादशाह जो है शायर भी थे, उनका नाम है बहादुर शाह जफर. एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, ये लिखा है गुन्नर मॉडल. इनका तल्लक है स्वीडिश से, ये क्योंकि एशियन ड्रामा है तो इस वजह से पेपर में पूछा गया है. बाईमान इज एन एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश. नमाज कसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ, ये दो क्वेश्चन है, एक है नमाज कसूफ और दूसरा है नमाज खसूफ. जो नमाज कसूफ है इसमें के ए के बाद एस आ रहा है, एस यानी कि ये बनेगा सोलर एक्लिप्स, और जो नमाज खसूफ है इसमें के एच ए यानी कि सी एच का मतलब यानी कि चांद, तो इस हिसाब से जो खसूफ है इसका राइट आंसर है ल्यूनर एक्लिप्स, और जो नमाज कसूफ है इसका राइट आंसर है सोलर एक्लिप्स. ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ह्यूमन राइट वॉच इज बेस्ड इन, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया ये है या बेस्ड इन, ये बेस करती है न्यूयॉर्क में. ये फाउंड हुई है 1978, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका ओल्ड नेम क्या है या इट इज़ फॉर्मली कॉल्ड. तो ह्यूमन राइट वॉच का ओल्ड नेम है हेलसिंकी वॉच. हेलसिंकी जो है ये कैपिटल है फिनलैंड का. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ, इसका राइट आंसर है स्टीम इंजन, और अक्सर हम इसको व्हील लगा देते हैं, व्हील वाला इसका आंसर गलत होगा, इसका राइट आंसर बनेगा स्टीम इंजन.
लास्ट उमैदा खलीफा वाज, इसका राइट आंसर है मरवान टू। विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट पॉलिटिशियन आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 से 1911 तक थी, जब ये कैंसिल हुई है उस वक्त नवाब सलीमुल्ला खान ने पार्टीशन या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दी थी। नेक्स्ट है करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, इसका राइट आंसर है डॉक्टर किबला अयास। ये 2017 में अपॉइंटमेंट हुए, ये बनी है 1962 में अंडर अयूब खान गवर्नमेंट, यानी कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है ये 1962 में अयूब खान की गवर्नमेंट में बनी थी। इसका मकसद क्या था कि ये पाकिस्तान का एक आइनी अदारा है जो हुकूमत और पार्लियामेंट को इस्लामी अमूर के बारे में कानूनी मशवरे देने का जिम्मेदार है। हमास वाज फाउंडेड इन 1987 बाय, इसके दो ऑप्शन जिनमें कंफ्यूज होते हैं, या यासिर अरफात और शेख अहमद यासीन। इसका राइट आंसर है शेख अहमद यासीन। ये फाउंड हुई है 1987 में, इसका हेडक्वार्टर है गजा में। मार्टिन लूथर किंग वाज आ, इसका राइट आंसर है ब्लैक यूएस सिविल राइट लीडर। और मार्टिन लूथर किंग की फेमस स्पीच है आई हैव अ ड्रीम। द टोटल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर इज अबाउट, लाइन ऑफ कंट्रोल की टोटल लेंथ है 740 किलोमीटर। द सिनोनम ऑफ क्रेविंग, क्रेविंग का सिनोनम है डिज़ायर। क्रेविंग कहते हैं बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखने वाला। द सिनोनम ऑफ फ्लिमजी, फ्लिमजी का राइट आंसर है फ्रजाइल। द सिनोनम ऑफ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कहते हैं जो एक जैसे ना हो, तो इसका राइट आंसर बनेगा इनके मुताबिक डाइवर्स। What is the meaning of per se? इसके ऑप्शन है by itself, completely, among other things या very short। इसका राइट आंसर है by itself। तकरीबन 7-8 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ओल्ड नेम पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं, उन सब का डाटा एक साथ मैंने इकट्ठा किया है, आप इन सबको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसा कि कंबोडिया का ओल्ड नेम है कंपुचिया, और कंबोडिया का जो कैपिटल है उसका नाम है फैनम फी। थाईलैंड का ओल्ड नेम है सियाम, और थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। श्रीलंका ओल्ड नेम सीलोन, और श्रीलंका के दो कैपिटल हैं, एक है कोलंबो और दूसरा है श्री जायावार। ये नेक्स्ट आप प्रोनंसिएशन गूगल से चेक कर लीजिएगा। और जो श्रीलंका का नाम कब चेंज किया गया, ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है, ये चेंज हुआ था 1972 में। बीजिंग का ओल्ड नेम है पिकिंग। इथोपिया का ओल्ड नेम है अबासीनिया, या इसको हबशा भी कहा जाता है। ये इथोपिया वाला क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। इथोपिया का जो है कैपिटल है इसका नाम है एडिस अबाबा। इराक का ओल्ड नेम है मेसोपोटामिया, और इराक का कैपिटल है बगदाद। कांगो का ओल्ड नेम है ज़ीरी, और कांगो का कैपिटल है किन्सासा। बुर्किना फासो का ओल्ड नेम है अपर वोल्टा, और इसका कैपिटल आप देख सकते हैं, इसकी प्रोनंसिएशन भी गूगल पे चेक कीजिएगा। ताइवान ओल्ड नेम फार्मोसा, और ताइवान का कैपिटल है ताइपेई। और इसके बाद जिम्बाब्वे और जैम्बिया, जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम है साउदर्न रोडेशिया, और इसका कैपिटल है हरारी। और जैम्बिया का ओल्ड नेम है नॉर्दर्न रोडेशिया, और इसका कैपिटल है लुसाका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।